हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योगेश राउत। आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये ट्रैक की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा कैमरा का कुछ प्रॉब्लम होने के वजह से कुछ भी साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ। सेकेंडरी कैमरा जो कि गोप्रो में यूज़ कर रहा था, उसका कुछ कुछ जगह पे मेरे को साउंड मिला है, लेकिन मैं सोचा कि पूरे ही वीडियो को मैं वॉइस ओवर कर दूँ। तो हम सुबह 11 बजे घर से निकले थे, और घर से निकलने के बाद हम आए थे, फर्स्ट हॉल्ट लिया था हमने रंधा फॉल पे। रंधा फॉल पे आने के बाद में वहाँ पे एक्सप्लोर किया था। रंधा फॉल में हालांकि पानी नहीं था, एक छोटा फॉल दिखाई दे रहा है जो कि भंडारदरा डैम से निकला हुआ कुछ लीकेज का पानी यहाँ से बह रहा है। वहाँ पे हमने बहुत सारा एक्सप्लोर किया, वहाँ पे घूमे फिरे, उसके बाद में हमने स्विमिंग किया था। बहुत ही साफ़ सुथरा और ठंडा पानी में गर्मी के दिनों में भी नहाने के लिए जो मज़ा आता है वो हमने वहाँ पे जाके लिया था। और फिर रंधा फॉल से हम निकल पड़े आगे वाले जर्नी के लिए। लगभग 1:30 बजे के टाइम पे हम रंधा फॉल को छोड़ दिया था और सांधन दरी की तरफ रवाना हो गए थे। दोनों साइड जंगल से गुजरा हुआ एक छोटा सा रास्ता जो कि सामरत की तरफ लेके जा रहा था। दोनों साइड पहाड़ और छोटा सा रास्ता बहुत कुछ खुशी दे रहा था। हमने बहुत बहुत जगह पे हॉल्ट लिए थे जहाँ पे करवंद के पेड़ दिखाई दे रहे थे, तो हमने बहुत अच्छे से करवंद की मेजबानी की। नेचर अपने को बहुत कुछ चीज़ें देता रहता है, बदले में हम उसको प्लास्टिक देते हैं, और ऐसे जगह से हमने प्लास्टिक हटाने का पूरा प्रयास भी किया। और ऐसे हंसी मजाक और मस्ती भरे एनवायरनमेंट में हम पूरे फैमिली के साथ में आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में बहुत कुछ ऐसे स्पॉट भी मिले थे जहाँ पे रुकने का पूरा मन किया था, लेकिन सांधन दरी ही जाना था, इसके लिए हम बहुत सारे जगहों पे अपना अवॉइड किया। जो जो भी करवंद के पेड़ दिखाई दे रहे थे, कुछ मीठे कुछ खट्टे ऐसे खाते हुए सब लोग हम आगे की जर्नी तय कर रहे थे। ओके आता देवा। सांधन व्हैली मतलब सह्याद्री वंडर्स। एक अति प्राचीन जियोग्राफिक फॉल्ट लाइन ही सांधन दरी कहा जाता है। 200 से 400 डेप्थ और कई कई 20 फीट से 3 फीट की चौड़ाई ये सांधन दरी की मापी गई है। तो इसे जब भी हम जाते हैं तो पूरे ध्यानपूर्वक हमें जाना चाहिए। स्पेशली बारिश के दिनों में यहाँ पे जाना तो नामुमकिन ही है,
क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्लो से जोर से पानी बहता है। तो बारिश के दिनों में आप अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ आपका प्लान चेंज कीजिए। समर और विंटर दोनों ऐसे सीज़न हैं कि जहाँ आप सांदन वैली इजीली क्रॉस कर सकते हैं। टोटल 4 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कई कई जगह बहुत सारा पानी और बड़े बड़े पत्थरों के बीच से ये सांदन वैली आगे कोकण तक जाती है। अगर आप सांदन वैली में पहली बार जा रहे हैं तो आप साम्रत से गाइड ले सकते हैं, क्योंकि सांदन वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पे मोबाइल का टावर बिल्कुल भी नहीं आता। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, तो आप ज़रूर गाइड यूज़ कर सकते हैं जो कि साम्रत में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। And I lost myself within the fire, breaking free from my desire, a heart of gold forged to inspire, it's starfire. असं वाटतं कधी काळी या दोन डोंगरांचं भांडण झालं आणि हे विभागले गेले, म्हणून तयार झालेली दरी सांदण दरी तो कुछ एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ फॉर अ लाइफ टाइम रहता है। वैसा आज का दिन है, आज का ही ऐसा कुछ एक्सपीरियंस। अभी तक पहले क्या होता था कि हम जब भी ट्रेकिंग के लिए निकलते थे तो ट्रेकिंग के लिए साथ में मैं, अमोल और हमारे साथ में और कुछ हमारे दोस्त जुड़ जाते थे। और उस टाइम पे क्या होता था, घर से फोन आते थे और कुछ गालियाँ पड़ती थी। वो गालियाँ सुनते सुनते वो ट्रेकिंग का आधा मजा चला जाता था, फिर घर पे जाके डांट खानी पड़ती थी। आज उल्टा हो गया, आज मेरे साथ मम्मी भी आ गई, वाइफ भी आ गई, अमोल पूरी फैमिली लेके आए हम। हमको कुछ गाली भी नहीं मिल रही, हम पूरा ट्रेकिंग एंजॉय कर रहे हैं, विथ फैमिली एंजॉय कर रहे हैं। ये सांदन दरी में हम अभी खड़े हैं, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, नीचे गए। मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, उस टाइम पे हम फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते। एंजॉयमेंट करने के लिए कुछ ऐसी जगह ढूंढते हैं कि मतलब ट्रेकिंग पे जाए या फिर बाइकिंग या फिर साइकिलिंग या फिर और भी कुछ जो आदमी के हिसाब से। आज उल्टा हो गया, आज सच में बहुत मजा आ रहा है। और अभी आपने पहले ड्रोन का शॉट देखे ही होंगे, तो पूरी फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, नीचे उतरने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, पत्थर से चलने के लिए। वैसे तो फिलहाल दोस्तों के साथ हमेशा आते हम या फिर हम दोनों ही आते, मगर आज फैमिली के साथ आकर बहुत अच्छा लगा। जरा छान वाटलं, पण कठीण आहे तेवढंच होतं। आणि स्टार्ट करताना जरा जास्तच कठीण वाटत होतं, आता एवढं काही नाही, ठीक आहे आम्ही जाऊ शकतो घरी, व्यवस्थित जाऊ शकतो। अरे बाबा, चढता चढता उतरता उतरता आमच्या हालत्या छान मोका अर्धगड आहे। और ऐसे ही कुछ अंदाज के साथ में हमारा सांदन दरी का ट्रे यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। लेकिन एट द एंड मैं पानी में जब गिर गया तो बैग और कैमरा, ड्रोन सब कुछ पानी में भीग गया, तो आगे वाला कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाया था। इसलिए मोबाइल से खींची हुई ये कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। सांदन दरी से जब हम ऊपर आ गए थे तब हमने साथ में लाया हुआ खाना खाया था, तकरीबन 7 बज चुके थे। उसके बाद में अमृतेश्वर का दर्शन के लिए रवाना हो गए थे। वहाँ पे जाके मंदिर की खूबसूरती और पुराना आर्किटेक्चर देख के बहुत प्रसन्नता मिली। दिन भर के पूरे एग्जर्शन के बावजूद भी हर एक के चेहरे पे बड़ी खुशी दिखाई दे रही थी। ये है 2 आर्किटेक्ट जो कि मंदिर की पूरी स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हम फायरफ्लाइज देखने के लिए चले गए, बहुत सारे फायरफ्लाइज देखे, बहुत ही मजा आया। नेचर की खूबसूरती आंखों में समेटे हुए हम वापस घर की ओर निकल पड़े थे। लेकिन पूरे दिन का वो जो माहौल आंखों में वैसा ही बसा रहा था हमेशा के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।